नमस्कार साथियों, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। एक बड़ा नोटिफिकेशन सामने आ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगले 100 दिनों की कार्य योजनाएं तय की है। आप सबको विदित है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के भी चुनाव आने वाले हैं। अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव होंगे और इन आम चुनावों से पहले राज्य सरकार एक बहुत शानदार मैसेज देना चाहेगी, जनता के मध्य एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना चाहेगी। इसीलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी जो 100 दिन की कार्य योजनाएं हैं, इन 100 डेज की जो वर्क पॉलिसी है, उसके अंदर शिक्षा विभाग के अंदर बहुत बड़ी बड़ी वैकेंसीज को इम्प्लीमेंट करने का, उनके अंदर नई रिक्तियों को जानने का, और रिक्तियों को जब उनको पता चल जाएगा इतनी वैकेंसी खाली है, उनके लिए नई अभ्यर्थनाएँ हमारे राज्य के RSSB और RPSC को भेजने के प्रावधान के ऊपर चर्चाएँ हो रही है। यानी राज्य सरकार अब ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड की वैकेंसी तो लॉन्च करेगी, साथ ही साथ में एक बहु प्रतीक्षित भर्ती प्रयोगशाला सहायक भी आने वाली है। 2022 के अंदर इसकी वैकेंसी लास्ट टाइम आई थी, अब वापस आने वाली है। यानी आपके पास लैब असिस्टेंट बनने का स्वर्णिम मौका आपके पास आने वाला है। कब इसके फॉर्म शुरू होंगे, क्या इसकी चर्चाएँ हैं, क्या चांसेस है कि वैकेंसी कब तक आएंगी, क्या सिलेबस है, क्या पिछले सिलेबस में इस बार और कोई चेंजेस होंगे या नहीं होंगे, CET के अंदर है या नहीं है, इन सभी के ऊपर मैं चर्चाएं आपसे करूंगा। आप सब लोगों से दरख्वास्त है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग लैब असिस्टेंट की YouTube पे बहुत सारी MCQ सेशन भी रखते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शिक्षा विभाग के अंदर प्रयोगशाला सहायक की नई भर्ती जो आए बहुत जल्द आने वाली है, यानी जनवरी का महीना आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आएगा। राज्य सरकार RSSB के माध्यम से एक नया नोटिफिकेशन जारी करवाएगा, जिसमें लैब असिस्टेंट के अप्रोक्स 1000 से ऊपर पद खाली है, 1000 से अधिक संख्या के अंदर पद खाली है। इसमें 12th की योग्यता आपके पास होनी चाहिए। यदि 12th के अंदर आपका सब्जेक्ट बायोलॉजी रहा है, या आप साइंस मैथमेटिक्स के स्टूडेंट रहे हैं, या साइंस एग्रीकल्चर के स्टूडेंट रहे हैं, तो इसका फॉर्म भर सकते हैं प्रयोगशाला सहायक का। 12th पास होनी चाहिए, मिनिमम एज 1 जनवरी 2025 तक 18 साल होनी चाहिए, तब आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अधिकतम 40 वर्ष की आयु सीमा जनरल के लिए है, SC ST OBC महिलाओं के लिए और भी इसमें आरक्षण के प्रावधान उपस्थित है। साथ ही साथ में यदि हम बात करें क्या CET के अंतर्गत रहेगी, क्या बेटा जी ये CET के अंतर्गत नहीं है, क्योंकि ये आम भर्ती नहीं है, ये एकदम आपके पास ऐसी भर्ती है जहाँ पर केवल साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यानी इसमें CET की पास करने की कोई योग्यताएं आवश्यक नहीं है, बिना CET के भी आप दे सकते हैं, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। जनवरी के अंदर वैकेंसी आ सकती है, मई के अंदर, अप्रैल के अंदर एग्जाम हो सकते हैं। हमारे जो है सर, आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं, एक तो यदि आप लोगों को e-notes निःशुल्क चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर पे उपलब्ध है, और यदि आप लोग इसके नोट्स के साथ साथ आपके कुछ MCQ वगैरह भी है तो टेलीग्राम पे भी हमारे अवेलेबल है, हमारे व्हाट्सएप नंबर जो है उस पे भी आप संपर्क कर सकते हैं, ये भी आपके पास सुविधाएं हैं। अब साथियों सवाल पैदा होता है कि ये जो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है, इस लैब असिस्टेंट वैकेंसी के अंदर सिलेबस के अंदर क्या चेंजेज है। दोस्तों 2018 की, 2016 की लैब असिस्टेंट की भर्तियां, 2013 की लैब असिस्टेंट की भर्तियों के अंदर आपके पास जो है टोटल जो वहां मामला रहता था, वो पहले 3 घंटे का एक पेपर हुआ करता था, और 3 घंटे के अंदर आपके पास 150 प्रश्न हुआ करते थे। उसके अंदर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और राजस्थान GK आया करता था। 2022 की लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा के अंदर सिलेबस के अंदर बदलाव किए गए, और वो बदलाव होने के बाद जब 2024 की नई वैकेंसी आएगी तो सिलेबस एक रत्ती भर भी नहीं बदलेगा, यानी सिलेबस वही रहेगा। सिलेबस के बारे में बातचीत करूं उससे पहले मैं बता दूं, 2022 की जो एग्ज़ाम पैटर्न पॉलिसी थी वो ये थी, 2-2 घंटे के 2 पेपर होंगे, यानी एक तो सुबह 10 से 12, फिर वापस आपके पास 2 से 4, इस तरह से समय रहेगा। और यहाँ पर जो है 2 घंटे के पेपर के अंदर प्रत्येक पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे, और उन पूरे 100 क्वेश्चन के मार्क्स होंगे वो 200 होंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा।
साथ ही साथ में यदि हम लोग यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर दो पैटर्न है, एक तो राजस्थान जीके के बाद वर्ल्ड जीके, इंडिया जीके, राजस्थान का करंट अफेयर भी यहाँ पर डाल दिया गया है, साथ में एजुकेशन साइकोलॉजी यानी शैक्षणिक मनोविज्ञान भी यहाँ पर डाली गई है। वो अलग बात है कि शैक्षणिक मनोविज्ञान के 2022 में कोई भी सवाल आया नहीं था, पर फिर भी इसके अंदर इम्पोर्टेंस रखता है, तो ये साइकोलॉजी भी इसके अंदर आएगी। प्रश्नों की संख्या 100, अंकों की संख्या 200, 100 प्रश्न करने के लिए आपको 2 घंटे सफिशियंट टाइम है, राजस्थान जीके रहेगा। और दूसरा जो पेपर होगा वो कि आपका सब्जेक्ट का पेपर होगा, वो भी ऑप्शन वाइज ही होगा, 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें से एक सही बढ़ना है आपको। प्रत्येक प्रश्न सही होने पर 2 अंक होंगे और गलत होने पर -0.66 अंक काट लिए जाएंगे, यानी नेगेटिव मार्किंग से अपन को बच के रहना है। पेपर का पहला जो टाइम है सुबह 10 से 12 के मध्य जो पेपर होगा उसमें राजस्थान जीके, इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके, साथ में आपके पास जो रहेगा एजुकेशन साइकोलॉजी रहेगा, ये पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन रहेंगे। और दूसरा जो पेपर होगा उसमें याद रख लीजिएगा दोस्तों, 3 सब्जेक्ट आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। सर मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ, बेटा फिर भी आपको क्या पढ़नी पड़ेगी? बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, देयर इज द ओनली ऑप्शन। सर मैं एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ, मैं फिजिक्स कैसे पढ़ूँ? बेटा फिजिक्स भी आपको पढ़नी पड़ेगी यदि नौकरी लगानी है। नौकरी के लिए एक्सक्यूज नहीं चलेंगे, कोई भी प्रकार का किंतु परंतु नहीं चलेगा, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सवाल आएगा कि जीव विज्ञान के प्रश्न आएंगे, यानी कि बायोलॉजी के सवाल आएंगे, उसके बाद फिजिक्स का भी क्वेश्चन आएगा, 11th 12th की आएगी, 10th तक की नहीं आएगी, 11th 12th आएगी। उसके बाद रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के भी 11th 12th के क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, 200 अंकों के होंगे और इसके लिए भी 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। तो यानी कि आपके पास ये सिलेबस है, सिलेबस के हिसाब से आपके पास जो है हमारा ऑनलाइन कोर्स मात्र 699 रुपये में उपलब्ध है। हमारे एप्लीकेशन प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर से इसको ले सकते हैं आप लोग। प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय होंगे, 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, यदि आपके नहीं आते हैं आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। यदि आप इनको प्राप्त कर लेते हैं तब आप एलिजिबल हो जाएंगे, बट जो मार्किंग है, कट ऑफ है, वो अधिकतम नंबरों के हिसाब से चलेगी और आपके पास एक अच्छे मार्क्स होंगे तो ही आप सिलेक्शन तक पहुंच पाएंगे। इस पेपर पैटर्न को भी आपको समझना पड़ेगा, 2022 का क्या था, 18 का क्या था, 16 का क्या था, इससे पहले वाली भर्तियों के अंदर किस प्रकार के लैब असिस्टेंट के पेपर आए हैं। बेटा लैब असिस्टेंट एक ऐसी नौकरी है, 2800 ग्रेड पे के अंदर रहती है, आपके जो सैलरी है 2 साल के प्रोबेशन के खत्म होने के बाद 45 से 50 हज़ार के मध्य रहेगी। 2 साल का प्रोबेशन जो परिवीक्षा काल होता है उसके खत्म होने के बाद इसकी सैलरी इतनी रहेगी। सुविधाएं बढ़िया है, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर लेबोरेटरी के अंदर आप लग जाते हो, वर्क बहुत कम रहता है, आप लोग चाहो तो उस समय आप लोग अपने सब्जेक्ट को बढ़िया करके आने वाले टाइम में ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकेंड भी बन सकते हैं। और उससे भी बड़ा राजस्थान की सबसे प्रतिष्ठित सेवा यानी RAS, और RAS के अंदर भी बता दूं हर साल 15 से 20 लैब असिस्टेंट RAS बनते हैं, क्योंकि वो टाइम मिलता है उस टाइम का यूटिलाइजेशन कर लेते हैं, सही तरीके से पढ़ लेते हैं, उनको फायदा एग्जाम के अंदर मिलता है। तो ये आपके पास है, यदि आप लाइफ के अंदर कोई बड़ा गोल रखते हैं, एक बड़ा लक्ष्य रखते हैं IAS RAS, या ऐसा चाहते हैं कि एक ऐसी नौकरी हो जहां आराम हो और आने वाले टाइम में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, ग्रेड फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, उसके लिए भी अच्छे से प्रिपेयर कर लूं और जॉब सिक्योरिटी मुझे चाहिए, तो लैब असिस्टेंट आपके पास एक बहुत शानदार अवसर है, उस अवसर को भुनाने की जरूरत आपके पास है। राजस्थान का इतिहास आएगा, राजस्थान के इतिहास के बाद राजस्थान के करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे, राजस्थान की आर्ट और कल्चर आएगी, राजस्थान के भूगोल के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, वर्ल्ड जीके के सवाल, सामान्य जानकारी के सवाल आएंगे, हमारे क्लास नोट्स आप पढ़ लेना सफिशियंट है, इंडिया जीके के अंदर इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन आर्ट एंड कल्चर के भी सामान्य स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, राजस्थान सरकार की नई योजनाएं, राजस्थान के अंदर नई समसामयिक मुद्दों के ऊपर भी विशेष चर्चा करते हुए नए प्रश्न पत्रों के अंदर नए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो ये भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। शैक्षणिक मनोविज्ञान यानी एजुकेशन साइकोलॉजी के सवाल पिछली बार तो नहीं आए हैं, 5 से 7 सवाल आने की संभावनाएं वहां पर रहती है, ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं आते हैं, इसको हटाया भी जा सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि लैब असिस्टेंट में साइकोलॉजी का कोई विशेष योगदान है नहीं, क्योंकि लैब असिस्टेंट का काम पढ़ाना कम ही होता है, बच्चों को थोड़ा बहुत समझाना होता है, उसके साथ में भी वहाँ लेक्चरर साथ में होते हैं बच्चों को समझाने के लिए। खैर सिलेबस है तो हम उसको तो चर्चा करेंगे,
बायोलॉजी के अंदर भी प्रश्न पूछे जाएंगे, फिजिक्स के भी आएंगे, केमिस्ट्री के भी आएंगे। सो प्रश्न हैं 200 अंकों के हैं, तो ये भी आपको थोड़ा सा विशेष रूप से याद रख लेना है। भूगोल भी आपसे पूछा जाएगा, जीव विज्ञान के अंदर भी पूरा का पूरा सिलेबस है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, एप्लीकेशन पे भी डाला हुआ है, डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये पूरा का पूरा सिलेबस है बच्चा, जहाँ पर पूरा आपका जीव विज्ञान के पोर्शन है, भौतिक विज्ञान है, इसके अलावा आपकी रसायन विज्ञान है। इन सभी की जो YouTube पे हमारी कुछ डेमो क्लासेस भी हम अवेलेबल करवाएंगे, अभी कुछ डाल भी रखी है प्रीति मैडम की, और भी हम डेमो क्लासेस आपके लिए उपलब्ध रखाएंगे। उसके बाद ये पूरा का पूरा जो कोर्स है, अभी से आप तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि कोर्स आपके होने के बाद एक बहुत लंबा टाइम आपके पास रहेगा जहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो बिना कोई भी समय व्यर्थ किए हुए अपने लक्ष्य की तरफ चल उठिए, खड़े हो जाइए और लग जाइए, क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की और बहुत ज़्यादा हिम्मत की आवश्यकता होती है ना। आप लोगों ने सुना भी होगा कि केवल पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। यदि आपके हौसले बुलंद है और बिल्कुल लगता है कि इस बार लैब असिस्टेंट की सीट मुझे निकालनी है और इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूँगा या करूँगी, और इस तरह के यदि भाव आपके मस्तिष्क में मन में हो, तो निश्चित तौर पर ईश्वर भी आपको ऊपर से आशीर्वाद देकर आपको लक्ष्य के प्रति कहता है, विजय भव, विजय भव, विजय भव। तो आपको भी यदि विजयी प्राप्त होना है, विजय को प्राप्त करना है, तो हमारे साथ आइए और हम और आप साथ में चलेंगे लक्ष्य के लिए, और आने वाले समय के लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।